तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फिल्म स्टाइल में वीडियो शूट कर सकते हैं जस्ट अपना स्मार्टफोन यूज़ करके। कमाल की हमारे पास मॉडल है, कमाल की लोकेशन है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकल के बताने वाला हूँ किस तरीके से आप स्मार्टफोन यूज़ करके प्रोफेशनल वीडियोज़ को शूट कर सकते हैं फिल्म स्टाइल में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैं सिनेमैटिक फिल्म स्टाइल वीडियो शूट करता हूं अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके। अब जैसा कि सबसे पहले आपको कैमरा सेटिंग स्क्रीन पे शो हो रही होंगी और हवा काफ़ी चल रही है, पर अच्छा एटमॉस्फेयर है और मैं शाम के टाइम वीडियो को शूट करने आया हूं। तो अगर आप चाहते हैं वीडियोज़ को अच्छे से शूट करना, तो आपको मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम शूट करना चाहिए। और मुस्कान का गेटअप भी काफ़ी कमाल का है, काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम लेंगे कुछ बी रोल मूव्स, मीन्स कि कुछ टेक्निक्स के साथ आपको बताऊँगा किस तरीके से आपने सीन्स को शूट करना है। तो चलिए सबसे पहला पार्ट हम लेके देखते हैं। सो पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे और मैंने 60 fps पे वीडियो को शूट करा है, जो मेरा स्मार्टफोन है Redmi Note 9 Pro Max। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन, अगर आप सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा आता है, लाइटिंग कंडीशन। अब जैसा कि मैं गोल्डन आवर में थोड़ा सा आया हूँ और शाम का वक्त है, और मीन्स कि अगर आप शाम के वक्त में वीडियोज़ को शूट करते हैं, काफ़ी अच्छी लाइट आपको मिल जाती है, तो लाइटिंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब जो मैं दूसरा पार्ट लेने वाला हूँ यहाँ पर लूँगा, लाइक कि यहाँ पे कुछ चलने वाले हम सीन्स लेंगे और मुस्कान यहाँ पे है, ठीक है, और वहाँ पे मुस्कान चल के जाएंगी और वहाँ से यहाँ तक आएंगी। देन इन सारे सीन्स को मैं मल्टीपल एंगल से शूट करने वाला हूँ। चलिए सारे सीन्स को लेके हम देखते हैं। सो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आपने देखा मैंने किस तरीके से मुस्कान के जो सीन्स लिए हैं, इसी तरीके से आपने शूट करना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन बना के चलना है। अब जैसा कि अगर आपकी वीडियोस के अंदर वेरिएशन नहीं होगी, एक ही सीन सपोज करें मुस्कान का, मैं सिर्फ फेस ही ले जा रहा हूं, या मैं जस्ट उसके वॉकिंग के सीन ले जा रहा हूं, या मैं जस्ट साइड पोज ही ले जा रहा हूं, तो वीडियो उतनी प्रोफेशनल नहीं लगेगी। इसको प्रैक्टिकल करके देखना, आपने क्या करना है कि हर एक सीन को मल्टीपल एंगल से शूट करना है, कट बाय कट हर एक सीन आपका म्यूज़िक के साथ चेंज होना चाहिए, तभी आपका वो अच्छा इंपैक्ट आएगा वीडियो के अंदर। उसके बाद मैं कुछ सीन शूट करूंगा यहाँ पे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी लोकेशन है, और यहाँ पे मैं कुछ लूँगा 60 fps से और कुछ मैं लूँगा 30 fps से, और थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाएंगे सारे सीन्स का। तो चलिए इन सारे सीन्स को लेके हम देखते हैं। सो फाइनली मेरा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आपने देखा मैंने किस तरीके से मुस्कान के लो एंगल, फ्रंट, साइड व्यू, कैसे मैंने सारे के सारे सीन्स लिए हैं। उसके बाद बात आती है म्यूज़िक की। म्यूज़िक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी वीडियोस के अंदर। जैसे ही आपके सीन्स होंगे उसी अकॉर्डिंग ही आपका म्यूज़िक भी होना चाहिए, तभी आपकी वीडियोज़ में सिनेमैटिक फिल्म लुक आएगा, नहीं तो वीडियो बिल्कुल प्लेन लगेगी, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद कुछ सीन्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मतलब लाइटिंग कंडीशन हो चुकी है और शाम के वक्त में आऊँ। कितना टाइम होगा मुस्कान? अराउंड 5 बज चुके हैं और 5 बजे मैं शूट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, लाइटिंग कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं वीडियोज़ को अच्छे से शूट करना फिल्म स्टाइल में, तो आपको लाइटिंग कंडीशन, सीन्स और म्यूज़िक और साथ में थोड़ी सी एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद आपकी फ़िल्म लुक ग्रेट हो जाती है। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मुस्कान यहाँ पे खड़ी हैं, अब मैं शूट करने वाला हूँ अगेन 60 fps पे, ओके, और देन कुछ मूवमेंट मैं क्रिएट करूँगा 30 fps के साथ। चलिए सारे सीन्स को लेके हम देखते हैं।
सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मुझे अभी बताया कि आप किस तरीके से फिल्म स्टाइल वीडियो शूट कर सकते हो जस्ट अपना स्मार्टफोन यूज़ करके। उसके बाद आपके मॉडल के एक्सप्रेशन, आसपास का एटमॉस्फेयर, म्यूज़िक क्वालिटी कि आपकी म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक आपने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद कुछ आपने सिनेमैटिक मूव्स क्रिएट करने हैं और आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा इसके साथ, तब तक थैंक यू।